नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कलयुग में भगवान हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा असरदायी बताई गई है। इनकी पूजा से ही सबसे पहले फल प्राप्त होता है। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जी हाँ, पुराणों में जिक्र मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी जागृत रहेंगे और ऐसा वास्तव में है। दरअसल दोस्तों, भगवान श्री राम जी और माता सीता ने स्वयं हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वो कलयुग में चिरंजीवी रहकर यानी धरती पर अमल रहकर भक्तों के कल्याण करेंगे, उनके दुखों को सुनेंगे, उनकी पूजा द्वारा उनके दुख को हरने का प्रयास करेंगे। इसीलिए तो दोस्तों, कलयुग में यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत जल्दी असर दिखता है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की पूजा से साक्षात मृत्यु भी थर थर कांपती है, यानी मृत्यु भी आपके निकट नहीं आती है। ऐसा ही एक मंत्र आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो आपकी पुरानी से पुरानी परेशानी, रोग, पीड़ा इत्यादि को तुरंत दूर कर देगा। दोस्तों, हनुमान जी का यह शक्तिशाली मंत्र इतना चमत्कारी बताया गया है कि पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम जी ने रावण के अंत के लिए यह मंत्र पढ़ा था। तभी तो लंकापति रावण और महादेव का परम भक्त होने के बावजूद, अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद रावण श्री राम जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। दोस्तों, सच तो यह है कि हनुमान जी के इस चमत्कारिक मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी, यानी यदि आप किसी बीमारी से सालों से ग्रसित हैं और वह बीमारी अगर जाने का नाम नहीं ले रही है, तो दोस्तों इस मंत्र को आप अवश्य पढ़ लें। आपकी बहुत गंभीर से गंभीर बीमारी भी इससे दूर हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप धन से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं या कोई परेशानी आपके जीवन में लगी हुई है, तो हनुमान जी का यह महामंत्र आपके उन सभी परेशानियों को दूर अवश्य कर देगा, आपके लिए धन के रास्ते खोल देगा और तो और स्वयं कुबेर देव अपना खजाना आपके लिए खोल देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह एक दिव्य सूक्ष्म शक्ति आपके चारों ओर बना देता है और इस शक्ति के कारण ही जितनी भी नेगेटिव या हम कहें नकारात्मक ऊर्जा, वह सब आपके आसपास से नष्ट हो जाती है। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, आपको सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही दोस्तों, काला जादू, बुरी शक्ति इत्यादि भी आप पर कोई असर नहीं करती। माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके साथ ही यदि आपको किसी इंटरव्यू या किसी बिजनेस में सक्सेस चाहिए, तो रोज सुबह आप इस मंत्र को केवल 3 बार पढ़ लें। उसके बाद आप अपना कोई भी काम आरंभ करें। दोस्तों, आप देखिएगा, आपको अवश्य ही उन कामों में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, यह मंत्र अत्यंत सरल है और कोई भी इसे आसानी से जाप कर सकता है, परंतु इसका जो प्रभाव होता है वह अत्यंत ही आश्चर्यजनक होता है और व्यक्ति के असंभव कार्य को भी यह संभव बना देता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर रोज हमारे ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियोस को देख सकें।
दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और दोस्तों साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम का जयकारा भी आप जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको इस मंत्र की जाप करने का तरीका बताएंगे और किस समय आपको इस मंत्र को जपना है ये बताएंगे। दोस्तों आपको यह मंत्र जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब दिव्य ऊर्जा ये धरती पर मौजूद होती है और इस समय की गई कोई भी पूजा या साधना बहुत जल्दी सफल हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस समय आपको यह मंत्र जपना है। आप स्नान इत्यादि कर लें और इसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्त, जिन लोगों को पता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है तो हम आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का। इस समय के बीच में ही आपको यह मंत्र जपना है। दोस्तों स्नान करने के बाद, अच्छा एक बात और दोस्तों, यदि बहुत ही आपके इलाके में ठंड है और इस समय और स्नान यदि आप नहीं कर पा रही हैं, कोई आपको बुखार है या बीमारी है, तो आपको मैं इसका एक सरल सा उपाय बताता हूँ कि आप अपने दोनों आँख, दोनों पैर और दोनों हाथों को अच्छे से धो लें, इसे साफ कर लें। यदि आप स्नान अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई मुख्य वजह है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है, बुखार है, कोई पीड़ा है और यदि आप स्नान करने में असक्षम हैं तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं और इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने दोनों आँखों को अच्छे से धोना है, फिर अपने दोनों हाथों को धोना है अपने, और फिर अपने दोनों पैरों को धोकर अपने मुंह को भी स्वच्छ कर लें और किसी साफ जगह पर बैठ जाएं जहां पर आप इस मंत्र का जाप कर सकें। दोस्तों अब आपको अपने दोनों हाथों को जोड़कर हनुमान जी का ध्यान अपने मन में करना है और अब आपको यह मंत्र बोलना है। दोस्तों यह मंत्र आप केवल 3 बार बोलें। दोस्तों अब आपको हम यह मंत्र बताने जा रहे हैं, ध्यान से आप इस मंत्र को सुनिए। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र को 3 बार जाप करने के पश्चात आप जो भी आपकी मनोकामना है वो हनुमान जी के सामने रखें। अपने मन में हनुमान जी को ध्यान करते हुए ऐसा सोचें कि हनुमान जी आपके सम्मुख हैं और आप अपनी प्रार्थना हनुमान जी को रख रहे हैं। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आँखें खोल सकती हैं। तत्पश्चात आप अपना कार्य आरंभ करें। दोस्तों यदि आप हर रोज सुबह ऐसा करती हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। खासकर मंगलवार और शनिवार का दिन तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। मंगलवार और शनिवार के दिन जितना ज़्यादा आप इन मंत्रों का जाप कर सकती हैं वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा उत्तम है। परंतु अगर आप 30 दिन इस मंत्र का जाप करें तो दोस्तों कम से कम 3 बार अवश्य कर लें और इसका प्रभाव आपको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दें।